ਡੈਡੀ ਇਜ਼ ਬਟਰਿੰਗ ਕਿ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਡੀ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਇਤਨਾ ਕਰਾਊਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਡ ਤੋਂ ਹੈ Mimi is doing online class and daddy ko jabardasti helping daddy is so happy helping pyari jinna love pa ke pani banayenge unni happiness hogi I'm not sure if it works some people are saying yes some people are saying no so you know what गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल हैं आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज का ब्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं आई होप कि आप घर में रह रहे हैं और सेफ रह रहे हैं ओके आज क्या हम करने वाले हैं आज हमारा दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है बजे है 11 हमने चाय पानी पी लिया है और आज कल डिनर में मैंने वाइट चने बनाए थे राइस के साथ पता नहीं हस्बैंड की फरमाइश आती है कि उनको ऐसी चीज़ें खाने के लिए मन है वैसे पर मेरा मन कल डिनर में टाकू बनाने का था मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स भी जुटा के रखी थी बट हस्बैंड ने कहा कि उनको वाइट चने एंड राइस खाने हैं तो वो खाए गए सो आज हमारे पास कल के बचे हुए वाइट चने हैं जो मैंने काफ़ी बना लिए थे और सुबह क्या है कि सुबह फूड और भी ज़्यादा डिलिशियस टेस्ट करता है सो यस चने हैं हस्बैंड कह रहे थे कि पूरी चने बनाऊं पर मैंने नोटिस किया कि मैंने कभी भी भटूरे नहीं बनाए हैं मेरी मम भटूरे बनाने की बहुत शौकीन है वो हमेशा बनाया करती थी सो आज मैं कोशिश कर रही हूँ भटूरे बनाने की देखते हैं कैसे बनते हैं पहली बार बना रही हूँ और आटा मैंने ऑलरेडी गूंद के रख लिया था सुबह ही और आटे को 2-3 घंटे हो चुके हैं मैं और हिम्मत नहा के तैयार है दिन के लिए और हस्बैंड नहाने के लिए गए हैं जब वो आएंगे तो हम बनाएंगे भटूरे छोले सो यस यही है अपडेट और आज और मैं और हिम्मत काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर बैठ गए मुझे लगता है कि मैंने अराउंड 15 दिन से भी ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है सो 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए कि मैंने व्लॉग नहीं किया है और मैं कोई भी तैयार नहीं हो रहा बस उठ के ब्रश करके नहा के सेम कपड़े पहन के पीजे पहन के बैठ जाते और फिर जब आप तैयार नहीं होते तो प्रोडक्टिव फीलिंग करते तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज के दिन को हम बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे सो इसलिए मैं और हिम्मत जल्दी ही तैयार होकर बैठ गए होपफुली हमारा दिन अच्छा एंड प्रोडक्टिव जाएगा और छोले भटूरे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली मैं भटूरे खाने वाली थक गई मैं ऑलरेडी ओके जैसे कि मैंने बताया कि पिछले काफी समय से मैंने व्लॉग नहीं किया मुझे लगता है कि मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं ग्लूटन फ्री रोटी खा रही हूँ और बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि वो ग्लूटन फ्री आटा कौन सा है मैंने वो लिया है मिल्क स्ट्रीम का ग्लूटन फ्री आटा जो कि काइंड ऑफ मक्की की रोटी के जैसे बनती है रोटी और टेस्ट उसका ओके काइंड क्या बहुत अच्छा नहीं है पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने खा लिया मैंने अराउंड 17-18 दिन ग्लूटन फ्री डाइट अपनाई और जिस बुक को पढ़ के मैंने ग्लूटन फ्री डाइट अपनाने की डिसाइड किया उसने कहा था उसमें लिखा है कि मोस्टली 3 दिन में ही आपको थोड़ा डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है उन 20 दिनों में मुझे मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं लगा मेरी बॉडी में कोई चेंज नहीं लगा किसी दर्द में भी कोई चेंज नहीं लगा आई एम नॉट श्योर इफ इट्स टू अर्ली टू से पर मैंने उसके बाद थोड़ा सा ग्लूटन खा लिया फिर भी मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ मैंने पढ़ा कि जब आप ग्लूटन खाते हो इमीडिएटली आपको उसका असर फील होना शुरू हो जाता है लाइक आप स्लीपी फील करते हो या पेन शुरू हो जाती है या इची होता है या कुछ भी जिनको भी ग्लूटन से प्रॉब्लम होती है सो ग्लूटन को छोड़ के और ग्लूटन को खा के कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हेयर देयर ग्लूटन खा लूंगी पर फिर भी मेरी कोशिश होने वाली है कि मैं ग्लूटन को थोड़ा कम ही खाऊंगी लाइक जितना हम ऐसे रोटी वोटी खाते रहते हैं उसमें मैम मेरी उसको मैंने दूसरी रोटी के साथ स्विच कर लिया कुकीज नहीं खाती हूँ मैं हमेशा से नहीं खाती पर हेयर देयर मैं थोड़ा थोड़ा ग्लूटन खा रही हूँ 20 डेज मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ग्लूटन फ्री डाइट को अपनाया और अब मैं बहुत ही लीनियंट ग्लूटन फ्री डाइट पे जा रही हूँ मैं हूँ रोटी को स्किप करके मैं ग्लूटन फ्री रोटी खा लेती हूँ पर आज मैं भटूरे खाने वाली हूँ ओके सो या भटूरे खाने वाली हूँ मेरी मुख दी गल Okay, so we are out for a walk and Himmat's feeling nice and warm and Daddy is doing some crazy things everywhere and Himmat's running around and tama tama banda you can see. And guys, my hand is warm, see? Look at my hand. Guys, I'm going in a danger just because of you and you. Bye. ओके दोस्तों तो मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए और सारी तैयारी के साथ आई हूँ मैं मेरे मास्क के साथ मेरे ग्लव्स के साथ
एंड सैनिटाइजिंग वाइप्स के साथ. ग्रॉसरी की शॉपिंग हम कैसे करते हैं कि मुझे फ्रेश प्रोड्यूस लेने के लिए जाना पड़ता है लाइक 10 डेज में. सो जब से हम लोगों ने बाहर जाना बंद किया है तब से लेके अब तक मैं 2 या 3 बार ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई होंगी. सो लास्ट टाइम मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गई थी 6 मार्च को, और तब से लेके अब तक हम मैनेज कर रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ये खा रहे वो खा रहे, जो कुछ भी हम खा सकते हैं. फ्रेश प्रोड्यूस हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे जाना पड़ रहा है. और मैंने सोचा कि इस ग्रॉसरी ट्रिप में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें ले आऊँगी जिससे मुझे और 10-15 दिन नहीं जाना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम बार बार बाहर जाएं. पर या मैं पूरे प्रिकॉशंस लेके ही ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाती हूँ, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, और बंदों से बहुत दूर रहती हूँ. यहाँ बहुत ज़्यादा स्केरी है, और इसीलिए आपसे भी यही मैं कहती हूँ कि बाहर बाहर बिना मतलब के मत जाएं. अगर आप नहीं, आपका चल रहा है, मैनेज हो रहा है, तो मैनेज बाहर जाना अवॉइड ही करें. पर अब मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी फिनिश हो चुकी हैं. पर हम इस ट्रिप को क्विकली फिनिश करेंगे और सेफ्टी के साथ ही करेंगे. और या दैट्स इट, लेट्स गो grocery shopping. And I forgot my wipes, it's over there. So bahar se wipes nahi mil rahi hai jo antibacterial ho. So maine kya kiya hai, baby wipes mein thoda sa aloe vera gel and alcohol add kar liya hai, rubbing alcohol. So ye good hai surface ko clean karne ke liye, trolley ko clean karne ke liye, taki aap germs se mukt rahe. Aur yes, that's bahut zyada dhyan de diya hai, ab hum chalte hain. Koi bhi nahi hai bahar. सो ग्रॉसरी स्टोर इतना क्राउडेड नहीं है, पर अच्छी तरह फिल्ड तो है. और मैं ले रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड सब्जियाँ, क्योंकि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है. और यस, मैंने लिए हैं अच्छे ऑरेंज, बेरीज, ग्रेप्स, और एप्पल्स लूँगी मैं, शायद पाइन एप्पल भी लूँ. और ग्रॉसरी स्टोर की हालत आप देखें, टामा टामा बंदा है. सो मेरी ट्रॉली में जो भी मुझे कुछ मिला है लिया है मैंने. लुक एट दीज केक्स. मैं पिज्ज़ा खाने के लिए मन है, पर मैं पिज्ज़ा बाहर से खाना नहीं चाहती हूँ. तो यहाँ पे कुछ तो है पर वो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं. सो हम लोग कोशिश करेंगे कि घर पे खुद का पिज्ज़ा बनाएं. और उसके लिए मुझे चीज़ देखती हूँ अगर मुझे मिले तो. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फिनिश ही हैं, पर फिर भी बहुत सारे स्टोर से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. और मेरी आवाज़ आपको शायद अजीब तरीके से सुनेगी क्योंकि मैंने मास्क पहन रखा है. बिकेस मैं बहुत ज़्यादा. ओह, आज सारी ब्रेड्स भी हैं यहाँ पे, ये दैट्स गुड. पीनट बटर भी खूब सारा आ चुका है, ब्रेड्स का सेक्शन भी भर गया है. गेटिंग ओके, मैं कर वाला पजामा पाके आ गया दोस्तों. मेरे एक आयल में एक एक ही बंदा जाता है, जब खुद दूसरा जाता है अदर वन डर जाता है उसको देख के कि व्हाट इज गोइंग ऑन. सो एवरीबॉडी वेट. ओके सो आई गेस आई एम डन. अब बारी आती है जाने की, हम जाएंगे. ओके सो मेरी ग्रॉसरी हो गई है शॉपिंग, अब मैं जाऊँगी बाहर. और यस ओके सो मैं वापस आ चुकी हूँ शॉपिंग करने के बाद. और शॉपिंग करना एक काम है, पर उसको घर में आके क्लीन करना और सजाना और भी मुश्किल है. पहले मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता था उसको मैनेज करने में, पर अब मुझे सैनिटाइज करना पड़ता है. और सब्जियों को मैं विनेगर वाले पानी में से वॉश करती हूँ ताकि कोई भी जर्म्स हो तो मर जाए. और या मैंने वो सारा काम फिनिश किया, मैं थोड़ा आराम करने वाली हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना. मीमी इज ईटिंग फिशी, डैडी इज ईटिंग बनाना, गोल्ड फिश. ओके सो मोस्टली सारी चीज़ों को मैंने सैनिटाइज कर लिया है, और फ्रूट्स को सब कुछ वॉश कर लिया है. वावा गन पड़ा है यहाँ पे, बट डोंट वरी, बट इट्स नाइस एंड क्लीन, रेडी टू ईट, डिलीशियस. और बाजार में सारे तरह के टमाटर ख़त्म हो चुके हैं, पर यही मिले मुझे नन्हे से. या अब मैं खाऊंगी बनाना, बनाना. सॉरी फॉर द मैस गाइस, व्हाट टू डू, आई एम टायर्ड ऑलरेडी. सो अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम को क्लीन करके, और आई हूँ मेरे वॉशरूम को क्लीन करके. अब वह बारी आती है लॉन्ड्री वॉश करने की, अब जाएंगे हम डाउनस्टेयर्स. ओके ये भी लॉन्ड्री वॉश होगी, अभी एक लोड चल रहा है और मैंने क्लीनिंग की है ऊपर वाले वॉशरूम्स में, आउटसाइड, और काफ़ी कुछ किया है. अब हम बाहर थोड़ा समय स्पेंड करें क्योंकि बाहर बहुत अच्छा एंड सनी है. सो की होया Make your dress.
Wow, you guys doing great already. That's it. Okay. Now you have to do these colors. Jimmy, Daddy, this color. Yeah, so do this color here. Okay, so we celebrated late Holi and Daddy the tikka lata hi. Sorry, chaiya lande lande. और मुझे लगता है हमारी आउटसाइड पिकनिक होगी ख़त्म. हिम्मत जूस पी रहा है, मैंने चाय पी है, डैडी ने कुछ नहीं पिया. और हिम्मत कह रहा है कि मुझसे भी ड्रॉ करवा लो प्लीज़. ओके, हस्बैंड अंदर जा चुके हैं, मैं अभी भी यहीं पे हूँ. और निक्की बुग्गी जी है ना जेरी एरा नहीं की के अंदर टेंशन मशन ख़त्म होने पर ही इज़ हैविंग सो मच फन. एंड मुझे बार बार मना रहा है कि प्लीज़ अंदर मत जाना, प्लीज़ अंदर मत जाना. और यस ओके गाइस, फैमिलीज बेकिंग केक टुडे है तो प्लेन, बट वी पुट चॉकलेट चिप्स, क्रीम, कुकी एंड क्रीम चिप्स. डैडी इज बटरिंग. क्या डैडी दी रेसिपी है ये? डैडी बटरिंग करता ऑलवेज ऑल द टाइम. डैडी इज चूठानी. गाइस, दिस इज माय रेसिपी केक. या ओके, डैडी रेसिपी. ओके गाइस, नाउ तो नूना हुन इदा इदा घुमाना वे कि सारे पास आटा लग जाए. हाँ, जेड़ा बच्ची बच्चिया उन्होंने ही सोड़ देना. केक्स रेडी. हमने हिम्मत को दी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लाइस, अच्छा बना है. और हिम्मत ने उस पर थोड़ी सी आइसिंग डाल ली है एंड स्प्रिंकल्स, जो कि स्टार स्प्रिंकल्स हैं. एंड ही इज वेरी एक्साइटेड. हियर यू गो फेवरेट स्पून. एक्साइटेड. Okay, we put the chocolate chips. Daddy like it? Mimi, you like it? So it's been more than month ki humne bahar se khana khaya ho. So aaj mera plan hai ki dinner mein hum banayenge pasta. Aur mujhe olive press ka pasta bahut zyada acha lagta hai. Aur waise bhi main Italian ki bahut badi fan hu. So main usko thoda sa mix karke pasta banane wali hu. Ferrocini aur rosy ka inki sauce mein. Aur main apni grocery shopping mein bread leke aayi hu. Ye bahut hi achhi Italian focaccia ka inki bread. Aur ise main toast karne wali hu गार्लिक एंड चिलीज के साथ. और इसे खाएंगे ऑलिव ऑयल एंड बिस्लेनिक विनेगर के मिक्स के साथ, जैसे वो सर्व करते हैं. सो यस, ये हमारा डिनर होने वाला के बना है. बहुत डिलीशियस बना है. हस्बैंड की प्लेट इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, मैं अपनी दिखाती हूँ. यस, मैं आज ग्लूटेन खा रही हूँ. टुडे आई थिंक थर्सडे. सो यस, मेरी प्लेट में क्या है? पास्ता है, मशरूम है जायंट, एंड पालक है, एंड और क्या है. मुझे इस पे चिली फ्लेक्स भी अच्छी लगती हैं. इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, और इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे. मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. एक्चुअली मैंने किसी व्लॉग में शेयर की थी. सो ये भी अपनी शेयर करना चाहता है. ये सिर्फ थोड़ी सी सॉस खाता है और पास्ता खाता है. और यस, आज हमारा ये डिलीशियस चीट मील होने वाला है. मील इतना सारा डिलीशियस बना है कि किसी भी इटालियन रेस्टोरेंट को मात दे सकता है. यू नो गाइस, मैं कितनी बढ़िया शेफ हूं. की करिए अपनी तरीफान. ओके दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा. अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट और कमेंट बार में ज़रूर बताएं कि आपका क्वारंटीन रूटीन क्या है, क्या कर रहे हैं आप घर में रह के, और कौन आपके घर में ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहा है. और अगर आप बाहर ग्रॉसरी की शॉपिंग करने भी जाते हैं तो प्लीज़ अपनी पूरी प्रोटेक्शन के साथ ही जाएँ. ग्लव्स पहने, मास्क पहने, और ग्रॉसरी को भी खरा के एक्स्ट्रा क्लीन करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहती हूँ ऐसी चीज़ों में. दैट्स इट. स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आई लव यू गाइस सो much. Bye.